नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो बच्चन परिवार सुर्खियों का कारण बना हुआ है, मगर अब मानो ऐसा लग रहा है कि बच्चन परिवार को लेकर जिस हिसाब से ये बातें कही जा रही हैं कि भाई जब से अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता नंदा बच्चन के नाम जो है 50 करोड़ का बंगला कर दिया है, उससे ऐश्वर्या जो है कहीं ना कहीं नाराज हो गई हैं, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। तो इसी बीच आपको हम इस प्रोग्राम में जानकारी देंगे कि आखिरकार ऐश्वर्या की कितनी संपत्ति है, यानी कि पर्सनली ऐश्वर्या राय बच्चन क्या अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा है उनके पास, क्या श्वेता से भी ज्यादा है उनके पास। आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पैसों के चक्कर के में जो है ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो क्या है सच। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाई बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के माध्यम से कि 4 गुना ज्यादा अमीर है ऐश्वर्या अभिषेक से, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है अपने पति अभिषेक बच्चन और अपनी नंद श्वेता बच्चन नंदा से 4 गुना ज्यादा अमीर है। जी हाँ, हालांकि नई नई प्रतीक्षा की मालकिन बनी श्वेता तो ऐश्वर्या की सालाना इनकम और नेटवर्थ इनकम के आसपास भी नहीं है। बीते दौरान सोशल मीडिया पर लगातार जो है कयासों का दौर चल रहा है कि जिस हिसाब से अभिषेक और ऐश्वर्या की राहें बदल सकती हैं। इन खबरों में गर्माहट तो तब आई जब अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता के नाम अपना सबसे पुराना बंगला प्रतीक्षा कर दिया, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपया बताई जा रही है। कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी दे दे कि बीते लंबे समय से ऐश्वर्या और अभिषेक के निजी रिश्ते भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ये चीज तो साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि बच्चन परिवार मीडिया के सामने आकर अपनी इज्जत को छुपा रहा है और तमाम बातों को छुपाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे दे कि भाई ऐश्वर्या की सालाना इनकम जो बताई जाती है वो 80 से 90 करोड़ रुपया है, यानी कि ऐश्वर्या की नेटवर्थ इनकम 828 करोड़ रुपया है। और वहीं अगर अभिषेक की बात की जाए तो अभिषेक की 280 करोड़ बताई जाती है सालाना इनकम। आपको जानकारी दे दें कि भाई ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन से 4 गुना ज्यादा अमीर है। और अगर बात की जाए श्वेता की, तो श्वेता की जो सालाना इनकम की बात करें या फिर उनके अगर नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ इनकम 150 करोड़ से 170 करोड़ ही बताई जाती है। आपको जानकारी दे दें कि 16 साल पहले जब ऐश्वर्या की शादी हुई थी तब उन्होंने 75 लाख का फेमस डिजाइनर से साड़ी को पहना था और जो साड़ी की कीमत थी वो 75 लाख रुपया बताई जा रही है। उस साड़ी की खास बात ये थी कि उस साड़ी में सोने की तार से जड़ के काम किया गया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को 50 लाख की डायमंड रिंग भी दी थी। आपको जानकारी दे दें कि ऐश्वर्या को बेहद ही लग्जरी कार्स का भी शौक है। उनके पास रॉयल्स रॉल एंड बिलिंटन जैसी 8-8 करोड़ की गाड़ियां भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन का जो है काफी इन्वेस्टमेंट जो बताया जाता है उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ मिलके रियल स्टेट में भी किया हुआ है। जी हाँ, बांद्रा में उनका 15 करोड़ का एक 5 BHK फ्लैट बताया जाता है जो बेहद ही ज्यादा लग्जरी फ्लैट है। और साथ ही साथ मुंबई में उन्होंने एक और फ्लैट को खरीदा हुआ है जो सुपर लग्जरी सोसाइटी में आता है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुबई में भी उनका विला बताया जाता है, तो बर्लिन में उनका फ्लैट है और न्यूयॉर्क में भी वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या की बात की जाए तो ऐश्वर्या काफ़ी ही स्मार्टली जानती हैं कि किस हिसाब से उनको जो है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट को करना है। बताया जाता है कि जो उनकी सालाना इनकम 80 से 90 करोड़ है वो फिल्म से और जो है तमाम एड्स करती हैं उनसे, तमाम ब्रांड से आती है। और कहीं ना कहीं जानकारी तो ये भी दी जाती है कि ऐश्वर्या जो है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिससे पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी उनको
80 से 90 करोड़ रुपए में कुछ मदद जो है उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी की जाती है। और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई ऐश्वर्या इस इंडस्ट्री की ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जिन्होंने हाई पेड एक्ट्रेस के तौर पे काम किया है। आज भी इंडस्ट्री में वो एक हाई पेड एक्ट्रेस के तौर पर ही जानी जाती हैं। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर अपनी बेहद ही खास रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार 4 गुना ज्यादा जो है पैसे हैं ऐश्वर्या के पास। अभिषेक के मुताबिक 4 गुना ज्यादा संपत्ति ऐश्वर्या के पास है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन इस इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा है जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर फिल्म्स की बात करें या फिर हम जो है ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, जो वो अक्सर बड़े ब्रांड्स का फेस बनी रहती हैं, ब्रांड एंडोरमेंट वो करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जो है उनकी आमदनी काफ़ी हद तक अच्छी बताई जाती है। और ऐसे में भले ही आप ये कहें कि ऐश्वर्या काफ़ी लंबे समय से जो है फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, मगर इसके बावजूद भी ऐश्वर्या का जो इनकम ऑफ सोर्स है वो यकीनन ही जो है हर किसी को हैरान कर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐश्वर्या फिल्म्स में नहीं आती हैं तो उनके पास कुछ जो है पैसों की कमी है या फिर कुछ ऐसी उन्हें दिक्कत है जो वो बच्चन परिवार के पैसों पे जो है निर्भर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हमारी रिपोर्ट में साफ तौर पर देख लिया। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर आप ये भी देख रहे हैं कि भाई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के रिश्तों को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इनके जो रिश्ते हैं उनमें दरार आ गई है। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों बेहद ही जल्द तलाक भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से इन दोनों को एक साथ नहीं देखा गया था। मगर इन तमाम चीजों पे जो है फुल स्टॉप इन्होंने खुद लगा दिया जब अगस्त्या नंदा की पहली मूवी के जो है ये डेब्यू पे पहुंचे, जहां पर पूरा बच्चन परिवार साथ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि ऐश्वर्या के पास जो है कम पैसा है, वो पैसे के लिए बच्चन परिवार अमिताभ बच्चन से नाराज हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है आपकी राय, आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं चली, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।